गुरु साहब जी कृपाल होणगे, दसव पातशाह जो साडे अंदर प्रकाश होवेगा। ताहि बाणी कहंदे कि साधु संत सिखायो नाम सर्व मनोर पूरन काम, बुझ गई तृष्णा हर जैसे गाने, जप जप जीवा सारंग पाने। मैं जीवा आत्मक जीवन आका जीवा, मैं जिस तरह मैं तेरा नाम लैना है, क्योंकि करण कारण प्रभु वेख्या दूसर नहीं कोई, दूसरा कोई नहीं संसार च करण वाला एक प्रभु परमात्मा हैगा जिन्हें एक सृष्टि बनाई हैगी है। ताहि बाणी कहंदे कि गुर का बचन बसे जी नाले, जल ने डूबे तस्करण लेवे पाए ना साके जाले। जी अज पांच प्यारे ने, दया सिंह है, धर्म सिंह है, हिम्मत सिंह है, मोकल सिंह है, साहिब सिंह है, वखरिया इलाकों तो वखरिया प्रांतों तो वखरिया काम कर दिते उन्हें और सारा फिर इकट्ठा किया। वो साढ़े अंदर, वो साढ़े अंदर संतोख, साढ़े अंदर इंसानियत, साढ़े अंदर चंगे काम, साढ़े अंदर भलाई दे काम। कदे भी इस इंसान ने बुरा किसी दिल नहीं करना। ता ही कल के दर पिता ने खंडे बटे दम छका के एक पिता एक किसके अंबारे तू मेरा गुर है। तेरे अंदर जितने भी तेरे बिघन ने कि कोई पाप पैसे पावन ज नानक सुख कर आया, तेरे जितने भी रोग सके, तेरे अंदर बीमारियां, तेरे अंदर पराई स्त्री दे लई, पराई औरत दे लई, पराई धन दे लई, और खास करके कल के दर पिता ने बड़ी हिदायत की हैगी है कि कभी किसी का धन चुराना नहीं और कभी किसी का धन खाधा, किसी का पराया हक नहीं असी खाना है, यदा तेनों लेखा जोखा देना पवेगा। कलगीधर पिता ने अपने समय के विच भी कई जहाँ उधार किया है। एक बार किसी का कतीर मार के वह उधार किया तो नाल कुछ हसे गए ने, तो संगत पूछते सच्चे पातशाह की कहते कि आप हसे क्यों रह गए हो? कहते गुरु घर का खजानची सीगा है, पर बड़े गलत हिसाब किताब करता सीगा, झूठ के रकमा लिखता से, बड़े मार खाता सीगा, असी बड़ा समझाते सीगे, ये जाके प्यासे हिरन की जूनी दे। और कल क्योंकि गुरु की सेवा की सी, संगत की सी, तो गुरु साहब ने वह फिर जरा कि जन्म जन्म के चुप के पैपारे दुर्त बनासे भरम पियो, मेरे जन्मा जन्मांतरा तो हूँ आया दूरों चल के मैं तक की तौ शरण आए जियो। गुरु नानक साहब जी कल किधर पिता की जोत का जो दर्शन होए ने तो देख गुरु साहब ने तीर मार के वह उधार किया। गुरु साहब ने आप उधार किया। तो जे नाल होर लोग कहते सके कि जे कोई किसी का हक खाँदा है गाया, तो बड़ी टेढ़िया जूना दे कुत्ते बिल्ली मगर शेर के जूना पैंता है गया, जरा कोई किसी का कोई हक खाँदा है। अजकल साढ़े ऐसे देख लो कहते भी जे वे वे कुर्सियों से बैठे ऑफिसर ने, जे कोई चंडीगढ़ बैठे, दिल्ली बैठे, जे बॉम्बे जे राजधानी से बैठे मिनिस्टर वे वे ने, देख लो कि जाके पता नहीं किड़े किड़े बैंकों से कि धन उन्हों का पिया है गया। ये सारे तम का जड़े कोई जड़ा कि नजायज तन हैगा आता लोखे चुका तेन देना पैना भाई। आखो सतनाम श्री वाहगुरु। ता ही कहें कि गरीबों के उत्ते दया करनी चाहिए हैगी है। गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज शब्द है कि 68 तीरथ सगल पुन जी दया प्रवान। दस कई बार विचार संगत करता हूँ है 68 तीरथ सगल पुन जी दया। तीन गल्ला च कही ने गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कि तू 68 तीर्थों से स्नान कर लै, तू चंगे पुन कर लै, वो परवान है। पर कदों परवान है? जी दया कैसे लोड़मंद दी तू दया कर दे, वो परवान है। अज जो तुम पोलिटिकल जरा हिस्ट्री थोड़ी देख लवो कि किस तरह आपस एक कोई धर्म के फिरके दे लोग वक्रे वक्रे धर्म के फिरके बने हुए ने, वंडियाई हुई ने, जबकि सारे ही इस्लाम नू या सारे ही अपने धर्म नू हिंदू धर्म नू मूर्तियां दे पूजा कह लो या जड़ा भी कह लो, और पता नहीं उस धर्मां दे विच हर धर्म च कितने कितने फितकरे बने हुए ने और वंडियाईयां हुई ने। और साडा भी यही पंजाब दे विच यही हाल होया है कि फलाने इलाके का फलाने जगह का है, और जाके फिर उहदे विच लड़ाइयां हुंदियां। तो प्यारे कल की तां पिता जैसे अवतार दिहाड़े मनाण आए हैगे आ, तो यही असी अरदास करनी हैगी है कि भाई सानू एक चंगे इंसान बनाओ, चंगे नागरिक बनाओ साढ़े अंदर। ता ही गुरबाणी गुरु साहब ने कहा कि हम एक आ जगत में धर्म एद गुरुदेव पिठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बितारो दुष्ट दुखन पकड़ पिछारो। आ जड़े दुष्ट बैठे हुए ने, जड़े रिश्वतखोर बैठे हुए ने, जड़े कि अपने बाहरों बड़े वे अच्छे अच्छे चोले पाए, गोल पगा पाए, वे वे गात्रे पाए, फलाने पाए ने, इन्हें भी जैसे जरा ध्यान देना है कि यही काय तरह जन्मंग समझ लो साधु सब मनमंग।
ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਪਾਰਨ ਦੁਸ਼ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਪਾਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੈ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਕਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਰਦ ਪੰਜਨਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਾਥ ਨਾਲ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਗਾਲ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਰ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਾਸ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਬੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਤੇ ਤੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਸੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦੈ ਕਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਉਹ ਧਾਗੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਕੱਢੇ ਲੱਖ ਔਰ ਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਪਾਛ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਖੋਟ ਕੋ ਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਵੀ ਲੈ ਤੋ ਮੋੜਾ ਕੋ ਕਾਂ ਕਰੇ। ਤੈਨੂੰ 10 ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਗ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ,
अज संगत जो आया है या गुरमुख प्यारे मैं ये कह लव कि जड़े कि घर बैठे टीवी से बैठ के टीवी तो गुरुद्वारे के प्रोग्राम सुनते हैं, रोज़ का हुक्मनामा सुनते हैं। कई मजबूरियां होंगे ने कि बंदे कई बार गुरुद्वारे साहब नहीं जा सकते, कुछ शरीर करके कुछ सेहत की मजबूरी है या काम काज दी है, घर मेरी भैन मातावान अपने बच्चों को पाल दी, ये धर्म की पालना हैगी। दास एक बार कई बार आम तौर पर जो भी मस्कट वगैरह जाइना ना, क्योंकि दास तो क्योंकि दुबई के नाल मस्कट पहन करके जाइना है, तो उत्थे आम तौर पर बैचलर लोग काफ़ी ज़्यादा होंगे ने, तो मैं उन्होंने बच्चे ने करता हूं कि भाई तुम अगर अज अपने पंजाब चो वतन तो इतने अगर अगर ओमान सुल्तानेट ऑफ ओमान मस्कट सलाला सोहार या फलाज जितों के मेरे प्रबंधक गुरमुख प्यारे बलविंदर सिंह जी ने, प्रधान एस पी सिंह जी है ने, मथारू साहब ने, बड़े गुरमुख प्यारे ने जड़े को बड़े अच्छे भलाई के काम करते हैं, परमिंदर सिंह जी ने, मेजर सिंह जी ने, सारे जड़े ने बड़े भलाई के काम करते पे ने। और दास संगत च यही मैं कहना हूं कि भाई तुम गुरमुख प्यारे हो, तुम अपने देश चो वतना तो छड़ के विदेश आए है, इतने तुम किरत कर दो, जाहिर अच्छी गल है, पर एक कदे गलत ना समझ लेना कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो। मैं अज टीवी तो स्क्रीन पर भी अगर गल्ला मैं कह देवगा कि किरत करनी सिख दे कोई माड़ी गल नहीं हैगी, जे अगर सिख दे कोल किरत है, सिख दे कोल मेहनत है, सिख दे पंज प्यारे है ने, तो देख लो कि जो कारगिल के जंग के जरा सिख जी और जिते भी कभी हिंदुस्तान की किसी भी दुश्मन किसी भी देश के लड़ाई हुई है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है, कि सैकेंड वर्ल्ड वार है, कि यूके ब्रिटिश आर्मी के सिख गए ने, या वाशिंगटन के सिख रेजीमेंट गई हैगी, या ओटवा के कैनेडा च कितने गए सिख रेजीमेंट गई हैगी है, सिखा की हमेशा जित हुई है, क्योंकि वो अंदर पांच प्यारे ने, वो अंदर पांच प्यारे वाले असूल है ने, वो अंदर कलगिया वाले बैठे हुए ने, कलगिया वाले ने पहला ही साढ़े अंदर किया है कि साढ़े अंदर कोई एक भलाई की जोत जगाई है, कभी इंसान किसी दूसरे धर्म के लिए कोई दूसरे लोगों के लिए कितने बुराई नहीं सोची, सिख ने हमेशा भलाई सोची हैगी है, ता ही अब दुनिया में सिख जितना भी कितने गया है, थोड़े खाड़ी देशों में देख लवो। तो दास इन्हों जो गुरमुख प्यारे उत्तर बैठे जड़े कि किरत विहार करते हैं विदेशों में, खाड़ी देशों आम तौर पर आने का मकसद यही है कोई 10 साल तो कोई 20 साल तो कोई किन्ने साल तो रहा है, और भावें तुम उत्थे अपने मकान लवो या अपने वतनों के चमाया भेजो, कोई सरकार वालों पाबंदी नहीं हो। और जड़े मेरे जग्यासू उन्होंने मुल्कों च रहते हैं, मैं उन्होंने खास करके हिदायत कराँगा कि पिछे अपने वतनों के भी जरूर ख्याल रखना है। सब तो वड्डा ख्याल रखना कि भाई तुम अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का, यह नहीं है कि घर तुहाड़े पिछे मतलब बुजुर्ग तुहाड़े तरसते पे होण, तुम उन्होंने छड़ के तुम इत्थे आ जाओ, फिर तुहाड़ा आया परवान है। अगर तू माया दे लई अपने बुजुर्गों नूं छड़ के आ गया, और तैनू एक गल दा याद रख लैना, एक जवानी और एक माता पिता की सेवा, ये तैनू कदी तेरे हथ नहीं आ, दोबारा तेरे हथ नहीं आनी, तो मौका लगे तो जरूर अपने बुजुर्गों की सेवा करो। अजकल जवान लड़कियां जड़ियां ने डाइवर्स होंदे पए ने, पढ़िया लिखिया ने, चंगी नौकरियां करदे, चंगे काम काज करदियां ने, पर सहन की शक्ति नहीं हैगी कि मेरे सहुरे साहब ने यह कह दिता, मेरे सहुरे साहब ने कहता घर नाश्ता बना, मेरे सहुरे साहब ने मेरे पति ने फलाना कह दिता हैगा, पर जड़े तुहानू सुख उन्होंने दिते हैगे तुसीं उहदा तां शुकराना ना कीता, पर जड़ा एक काम तुहानू घर विच कह दिता हैगा। अज आम तौर पर मैं देखिया परिवारों के सवेरे उठनगे या उठनगे, घर वाला कह लो, पति कह लो, पत्नी कह लो, जिस तरह भी घर का माहौल हैगा, उन्होंने पहले तो मोबाइल फड़ना तो रात में देखना कि किहड़े वट्सअप आए ने, उहदे ते ज़्यादा चिंता होंदी कि फेसबुक तो देखना, ईमो तो देखना, सोशल मीडिया देखना, जाके किहड़े लाल बत्ती जगी, किन्ने लाल बत्तियां जगियां ने, 65 है, 15 है, 200 है, 250 है। असीं नितनेम की करांगे,